आरसीबी की टीम केजीएफ हो गई तैयार, आईपीएल ऑक्शन में खरीदे 6-6 सुपरस्टार। अब कोहली की आरसीबी बन गई टीम सबसे दमदार। जी हाँ, आईपीएल के ऑक्शन में विराट कोहली की टीम यानी कि फाफ डुप्लेसिस और कोहली की टीम ने बहुत सोच समझकर ऑक्शन में एक एक खिलाड़ी को चुना है। कुल मिलाकर इस टीम ने 6 खिलाड़ियों को खरीदा है और अब आरसीबी की टीम बहुत दमदार दिख रही है। एक तरीके से आरसीबी की टीम केजीएफ तैयार हो गई है। केजीएफ यानी कि कोहली, ग्लेन और फाफ डुप्लेसिस के तिकड़ी, जो पिछली बार भी आरसीबी के लिए बहुत शानदार खेली थी और प्लेऑफ्स में टीम को ले गई थी, लेकिन इस बार इन तीनों को कई सारे और 6 नए सुपरस्टार का साथ मिल गया है और अब कुल मिलाकर पूरे 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड आरसीबी का बन चुका है। आरसीबी ने आज जो सबसे पहला प्लेयर खरीदा वो था अल्जारी जोसेफ। लोग सोच रहे थे कि आरसीबी मिचेल स्टार्क के लिए बाय करेगी, लेकिन आरसीबी का कुल पर्स लगभग 23 करोड़ के आसपास था और उससे ज्यादा 24 करोड़ में स्टार्क बिके हैं। इस वजह से आरसीबी चाहकर भी स्टार्क को नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसने छोटे छोटे लेकिन बहुत अच्छे बाय किए हैं, जैसे कि अल्जारी जोसेफ, उनको 11 करोड़ 50 लाख में आरसीबी ने अपने साथ जोड़ लिया। इसके अलावा यश दयाल, जो कि गुजरात टाइटंस में पिछले साल खेले थे, यश दयाल अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, वो कोहली के साथ मिलकर अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज को कोहली ने स्टार बना दिया, वो यश दयाल को भी स्टार बना देंगे। यश दयाल को 5 करोड़ में खरीदा गया। इसके बाद इंग्लैंड वाले ऑलराउंडर टॉम करन को मात्र 1 करोड़ 50 लाख में आरसीबी ने खरीद लिया। ये आरसीबी का सबसे स्मार्ट बाय माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉकी फर्गुसन, जिनको जीटी ने रिलीज किया था, जिनके नाम आईपीएल की सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी है, आरसीबी ने उन्हें भी सिर्फ 2 करोड़ में अपने साथ जोड़ लिया। इसके अलावा आरसीबी ने 2 नए सितारों को भी अपने साथ जोड़ा है, 2 गुमनाम सितारे जिनका नाम आज तक कोई नहीं जानता था, यानी कि 2 अनकैप्ड प्लेयर जो आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। एक का नाम है स्वप्निल और एक का नाम है सौरभ, दोनों को आरसीबी ने 20-20 लाख में अपने साथ जोड़ा है। तो अब आरसीबी का नया स्क्वाड कैसा दिखता है उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। आकाशदीप, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, हिमांशु, करण शर्मा, महिपाल लोमरोर, मनोज फंदागे, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, राजन कुमार, रजत पाटीदार, रीस टोपले, सुयश प्रभुदेसाई, विराट कोहली, वाइशाख विजय कुमार, विल जैक्स, कैमरून गेट, ये पहले से ही आरसीबी में थे और आज जिन खिलाड़ियों को खरीदा उनका नाम है अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्ग्यूसन, स्वप्निल और सौरभ। ऐसे में आप बताइए, आरसीबी की नई टीम आपको कितनी दमदार दिख रही है? क्या इस टीम में आईपीएल जीतने का मादा आपको नजर आता है? क्या इस बार आरसीबी के केजीएफ यानी कि कोहली, ग्लेन और फाफ आरसीबी को चैंपियन बना पाएंगे? क्योंकि आरसीबी आज तक भी आईपीएल के चैंपियन नहीं बन पाई है। क्या पहली बार ऐसा करिश्मा हो पाएगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया तो ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए तुरंत पेज को लाइक और फॉलो कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।